हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छा कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं। दिस इज योर केमिस्ट्री एजुकेटर शुभ्रजीत दास एंड दिस साइड प्रियंका खन्ना, योर बायोलॉजी एजुकेटर। बच्चों, जैसा कि आज आपका इंग्लिश का पेपर खत्म हो चुका है और अब हम बढ़ रहे हैं नेक्स्ट हमारे साइंस के पेपर की तरफ, जो कि है 4th अप्रैल को। तो बच्चों, इसके लिए हमें बहुत सारा प्रिपरेशन, बहुत सारी प्लानिंग, बहुत सारा हार्डवर्क करना होगा, ताकि हम आज जैसा आपका इंग्लिश का पेपर बहुत अच्छा गया होगा, उसी तरीके से हमें साइंस का पेपर भी अटेम्प्ट करवाना होगा, वैसे ही हमें अटेम्प्ट करना होगा, और हमें उसके लिए बहुत रिग्रस प्रैक्टिस की जरूरत है। मैम, आप बताइए कि हमें इसके लिए क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। देखिए बच्चों, हमारे चैनल पे ऑलरेडी आपके लिए हर एक चैप्टर्स की ऑलरेडी वीडियो दे रखी है, जहाँ पे आप क्विक रिवीजन कर सकते हैं। बिकॉज इस लास्ट मोमेंट पे हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम डिटेल स्टडी कर सकें, सो आपके लिए हम लोगों ने क्विक रिवीजन के लिए वीडियो बना रखी है, आप उसे जाके देख सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ बच्चों, हम नेक्स्ट आपके लिए जो लेके आने वाले हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेके आने वाले हैं, जहाँ पे हम आपको इसकी भी प्रैक्टिस कराएंगे एंड सर सैम्पल पेपर की भी Definitely हम प्रैक्टिस कराएंगे। yeah. तो हम तीनों टीचर यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, आपको सैम्पल पेपर साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस कराई जाएगी। यस सर। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है, केमिस्ट्री में हमारे पास 4 चैप्टर्स हैं जो कि इस साल के सिलेबस में ऐड अप हुए हैं, और उसी के साथ हमें कुछ इस तरीके से टिप्स एंड ट्रिक्स जाननी होगी, जिसकी बदौलत हम आगे चल के केमिस्ट्री को एटलीस्ट अपने सर के बर्डन से हटा सकते हैं। उसमें आपके जो 4 मेजर चैप्टर्स हैं वो आपको अपने सिलेबस पता है, उसमें से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके केमिकल एंड इट्स कार्बन एंड इट्स केमिकल कंपाउंड आएगा, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस एक चैप्टर आता है, एसिड बेसिस सॉल्ट्स आते हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आते हैं। तो इन सारे क्वेश्चंस का जो कि इनका तोड़ है वो यही है कि आपको सारे इक्वेशंस बराबर याद होने चाहिए, सारे रिएक्शंस आपको प्रॉपरली बैलेंस फॉर्म में याद होने चाहिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो नोमेनक्लेचर से रिलेटेड सारी चीज़ें, आइसोमेरिज्म से चीज़ें, सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। रिगार्डिंग बायोलॉजी, मैम आपको बताएंगे कि आपका सिलेबस आप कैसे कवर अप कर सकते हो। देखिए बच्चों, बायोलॉजी जैसा कि हमने बताया कि क्विक रिवीजन के लिए ऑलरेडी वीडियो हमारे चैनल पे है। साथ ही साथ बच्चों, जो हम सैम्पल पेपर को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आपको सॉल्व कराएंगे, तो उसके साथ साथ हम ये भी बताएंगे कि कौन से आपके टॉप क्वेश्चन ऐसे हैं जो आने की बहुत प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, सो वो टॉप क्वेश्चन आने की जिनकी प्रोबेबिलिटी, ये हम डिस्कस करेंगे। कैसे आपको हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, बिकॉज हम ये तो बता सकते हैं कि पिछले सालों में क्या पूछा गया है, लेकिन उसे हमें कैसे करना है, रिप्रेजेंट कैसे करना है अपने बोर्ड के पेपर में, दिस इज एक्चुअली वेरी मच इम्पॉर्टेंट। तो ये ट्रिक आपको समझाई जाएगी। साथ ही साथ फिजिक्स के आपको न्यूमेरिकल सॉल्व कराएंगे रोहित सर हमारे, और बायोलॉजी में हम आपको हर एक क्वेश्चन में कहाँ क्या डायग्राम बनाना है, कौन सा डायग्राम आपको कहाँ पे क्या करना है, ये सारी डिटेल चीजें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, आपको पता होगा कि आपका फिजिक्स का सिलेबस भी काफी वास्ट है, आपके पास 3 सब्जेक्ट है साइंस में कवर अप करने के लिए। अब उसमें जैसा कि मैम ने बताया कि अगर आपके डिस्क्रिप्टिव टाइप के सॉल्यूशंस लिखने होते हैं तो उसको पॉइंट वाइज लिखना है, तो ये तो वो बेसिक चीजें हैं जो आपको हम ये याद दिलाएंगे, वैसे तो आपको पता ही होगा, लेकिन फिर भी वी विल ट्राई टू लाइक मेमोराइज यू ऑल दिस थिंग्स कि आप कैसे कैसे पेपर में लिखते हो। आपके ब्रेन में जो चीजें होती हैं उसको उसी प्लान के अकॉर्डिंग अगर आप पेपर पे सही तरीके से लिख के आते हो तब आपको फुल स्कोर मिलता है, और अब तब आप 90%+ स्कोर कर सकते हो। तो आगे का मैम आप बताइए कि नेक्स्ट हमारे पास इस चैनल पे क्या बनाया हमने, जिससे कि बच्चों को बहुत फायदा होगा। बच्चों, आपके लिए जैसा भी हमने बताया कि हम सबसे इम्पोर्टेंट है लास्ट टाइम पे कि जब पेपर होने वाला होता है तो हमें लगता है कि हमें कुछ ऐसी चीजें मिल जाए जिसको पढ़ के हमारा बेड़ा पार हो जाए, है ना सर? बिल्कुल। तो इसलिए ऐसी इसी चीज को करने के लिए आपको क्विक रिवीजन नोट्स दिए दिए गए हैं, साथ ही साथ आपको हम पेपर सॉल्व कराएंगे और सैंपल पेपर। अब आपको और क्या चाहिए इसके अलावा? साथ ही साथ इतना ही नहीं बच्चों, जब हमें पता होता है कि हमें सब पता है, बट लास्ट मोमेंट में इतनी ज्यादा हमें घबराहट होती है कि हम शायद पेपर नहीं अच्छा कर पाए, आपका एंग्जाइटी आपका दुश्मन बन जाता है ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको क्या करना है, हमारे साथ बने रहना है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज यही है कि हमारे साथ बने रहिए। हम एज अ टीचर आपको जितना हेल्प कर सकते हैं आपके बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स लाने के लिए, डेफिनेटली वो पूरी कोशिश की जाएगी। तो बच्चों, हमारे साथ इसी चैनल पे बने रहिए, अनअकैडमी दिल्ली के इस चैनल पे, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। टिल देन, ऑल द बेस्ट, कीप स्टडिंग, कीप स्माइलिंग। बाय स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।